हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ड्रिल पढ़ रहे थे। ड्रिल वह औजार है जिसके द्वारा हम लोग धातुओं में छिद्र करते हैं, जिसमें सर्वाधिक लोकप्रिय ट्विस्ट ड्रिल यानी मरोड़ी बर्मा है। तो हम लोग इसके विषय में डिटेल में पढ़े कि इसका लिप एंगल कितना होता है, कटिंग एंगल कितना होता है, रेक एंगल या हेलिक्स एंगल कितना होता है और लिप क्लियरेंस कितना होता है, ओष्ठ अवकाश कोण कितना होता है और फिर ड्रिल का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, कठोर धातुओं के लिए कितना रखेंगे, मुलायम धातुओं के लिए कितना कोण रखेंगे, कटिंग स्पीड क्या होती है पाई डी एन बटे 1000, फीड क्या होता है, ये सब मुख्य मुख्य बातें हम लोगों का हो गया। उसके बाद अब हम लोग जो है इस पर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, मुख्य इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपका ये टेपर सैंक ड्रिल की सैंक, बहुत पूछता है कि टेपर सैंक ड्रिल की सैंक टेपर होती है, तो आप कहेंगे मोर्स टेपर होती है। कौन सा टेपर होती है? मोर्स टेपर होती है जिसका नंबर होता है, जिसका नंबर बेटा 0 से 1 है, 1 से 2 है, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, ये है। तो ये नंबर लिखा हुआ है जैसे इतना है, 0 से 1, फिर एक कामा, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे नंबर में ये टेपर मिलती है। वही है सैंक, सैंक आपने ये पढ़ा, टेपर सैंक ऐसे ड्रिल का ये सैंक ऐसे जो है ये यही है सैंक और नीचे ये बॉडी बन जाती है, ऐसे ऐसे ये बॉडी बन जाती है, ऐसे इस बॉडी में तमाम ऐसे नालियां ऐसे ये सब वो कटे होते हैं, ऐसे ये सब बन जाता है ऐसे हम लोगों का। तो ये देखे होंगे ये यही है सैंक और ये कैसा है टेपर, ये सैंक आपका टेपर है। तो ये कौन सा टेपर होता है? मोर्स टेपरित होता है और ये नंबर में होता है 0 से 1 नंबर, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे। अगला है आपका ट्विस्ट ड्रिल का वर्गीकरण। तो ट्विस्ट ड्रिल का वर्गीकरण बेटा हम लोग 5 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से कर सकते हैं ट्विस्ट ड्रिल का वर्गीकरण, हम लोग 5 प्रकार से कर सकते हैं। ये कौन कौन है? तो पहला एमएम साइज, जो हमारे ड्रिल एमएम साइज में होते हैं, यहाँ पर जो है आपका इस नेक पर साइज यहाँ पर लिखी रहती है, यहीं पर एमएम साइज लिखी रहेगी और ये भी लिखा रहेगा, इसे हम लोग नेक बोलते हैं नेक, और इसी पर ड्रिल का मटेरियल भी लिखा रहेगा कि ये हाई कार्बन स्टील का या हाई स्पीड स्टील का, यही है नेक। और ये जो टेपर में ही नेक होता है और पैरेलल सैंक में या स्ट्रेट सैंक में नेक भी नहीं होगा और ऊपर वाला टैंक भी नहीं होगा, ये दोनों स्ट्रेट सैंक में नहीं होते हैं। तो हम लोग अगर ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट यानी ये लिखा है ट्विस्ट ड्रिल, ये है ट्विस्ट ड्रिल। तो ट्विस्ट ड्रिल का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो पहला वर्गीकरण हम लोग एमएम साइज के आधार पर कर सकते हैं, दूसर का वर्गीकरण हम लोग इंच साइज के आधार पर, जिसको हम लोग फ्रैक्शन साइज भी कहते हैं, तीसर का हम लोग नंबर, नंबर साइज भी होती है 1, 2, 3, ऐसे नंबर साइज पर भी हम लोग करेंगे, और फिर लेटर साइज भी होता है A to Z, कुल 26 आ जाएंगे, A, B, C, D, ऐसे लेटर साइज हो गया, और आकृति के आधार पर भी हम लोग करते हैं ड्रिल का वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण इस तरह से 5 प्रकार का हो गया। अब हम लोग
वर्गीकरण जो है एमएम साइज भी देखेंगे, इंच साइज भी देखेंगे, नंबर साइज भी देखेंगे, लेटर साइज और आकृति के आधार पर ड्रिल के प्रकार देखेंगे। तो पांच प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। अब पहला है एमएम साइज, तो यहाँ पर बेटा तीसरे नंबर पर आपका लिखा हुआ एमएम साइज ड्रिल। स्ट्रेट सैंक होते हैं छोटे वाले, छोटे एमएम साइज जो ड्रिल हो गया, ये छोटे ड्रिल जो है, छोटे जो होंगे वो स्ट्रेट सैंक होते हैं, वह बड़े बड़े जो ड्रिल होते हैं, बड़े ड्रिल या बड़े साइज के, वो टेपर सैंक में होते हैं। जितना छोटा ड्रिल होगा वो एमएम साइज का जो होगा वो स्ट्रेट सैंक वाला होगा, और जो बड़े का होगा एमएम में भले साइज हो लेकिन वो रहेगी टेपर में। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रेट सैंक, तो इसका स्ट्रेट सैंक एमएम साइज का स्ट्रेट सैंक के लिखा हुआ, और बड़े साइज का टेपर सैंक में मिलेगा, तो ये बड़े साइज का टेपर सैंक, तो ये ए और बी करके यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो ए है स्ट्रेट सैंक। स्ट्रेट सैंक में पाला लिखाया गया है 0.20 यानी 0.2 एमएम से ऐसे कहेंगे, और 0.98 ये कितना है 0.98 mm तक 32 ड्रिल होते हैं। कितना 32 ड्रिल होते हैं इस रेंज में। mm साइज में जो सबसे छोटी साइज है वो 0.2 mm से 0.98 mm तक कुल 32 ड्रिल होते हैं बेटा, ये पूरा एक सेट रहेगा। अगला सेकेंड इसी में है, 0.98 के बाद लगभग आपका आ गया 1 mm, ये 1 mm से थोड़ा सा कम है। अब आगे आ गया 1 mm से 3 mm तक, यह जो है 0.05 mm के क्रम में इसकी साइज बढ़ती है, माने 1 mm का होगा, फिर 1.05 mm का होगा, फिर 1.1 mm का होगा, फिर 1.15 mm का, ऐसे करके इसकी साइज बढ़ती है। तो वही लिखाया गया है, माने बहुत माइन्यूट साइज बढ़ रही है, 0.05 mm के रेंज में 1 mm से आगे चलते जाएंगे और फिर आ जाएंगे 3 mm तक, तब तक इसकी साइज इसी क्रम में बढ़ेगी 0.05। माने 1 mm के बाद अगला कौन हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा 1.05 mm, फिर उसके आगे हो जाएगा 1.1 mm, फिर उसके आगे हो जाएगा 1.15 mm, ऐसे बढ़ेगा बेटा। अगला है 3 mm से 14 mm तक, ये जो आपका स्ट्रेट सैंक, ये सब स्ट्रेट सैंक है, ये स्ट्रेट सैंक के ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये रेंज है स्ट्रेट सैंक का, टेपर सैंक का नीचे दिया है। तो स्ट्रेट सैंक में 1 mm से 3 mm तक हो गया, अब 3 mm या 3 mm खत्म हुआ, फिर 3 mm से 14 mm तक इनकी साइज बढ़ती है बेटा 0.01 mm के क्रम में इनकी साइज बढ़ती है। फिर है चौथा है 14.25 mm से 16 mm तक, कितने mm तक 16 mm तक इनकी साइज बढ़ती है, 0.25 mm के क्रम में इनकी साइज बढ़ेगी। अगला है टेपर सैंक ड्रिल, mm साइज का ही अब आ गया टेपर सैंक ड्रिल, तो ये लिखा है बी, इसका भाग बी टेपर सैंक ड्रिल। इसमें भी लिखा हुआ है पहली पॉइंट 3 mm से 14 mm तक बढ़ेगा, 0.3 mm के क्रम में इनकी साइज बढ़ेगी, फिर 14 mm से 32 mm तक इनकी साइज बढ़ेगी 0.25 mm के क्रम में, फिर 32 mm से 51 mm तक इनकी साइज बढ़ेगी 0.5 mm के क्रम में बेटा, और फिर चौथी पॉइंट है 51 mm से 102 mm 102 mm तक साइज आ गई फुल,
और ये 1 mm के क्रम में साइज बढ़ेगी, यानी 51 के बाद अगला आपका ड्रिल होगा 52 mm, फिर 53, फिर 54, फिर 55 और मैक्सिमम जाएगा 102 mm। फिर उसके बाद आपकी mm साइज कंप्लीट हुआ, अब आ गया इंच या फ्रैक्शन साइज। तो ये है अब चौथा नंबर आ गया, इंच या फ्रैक्शन साइज। तो इंच या फ्रैक्शन साइज में आप देख रहे हैं ए और बी करके दो भाग है, ए भाग में क्या है स्ट्रेट सैंक ड्रिल और बी भाग में टेपर सैंक ड्रिल। तो जो हमारा फ्रैक्शन साइज या इंच साइज में आएगा उसमें भी अब हमारे दो प्रकार के ड्रिल हो गए, एक स्ट्रेट सैंक और एक टेपर सैंक। वैसे एमएम साइज में भी दो प्रकार के ड्रिल हैं, स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक। तो स्ट्रेट सैंक ड्रिल जो हमारा होगा वो 1/64 इंच से 1/2 इंच, 1/64 इंच से 1/64 इंच से 1/2 इंच तक, और ये बढ़ेगा किस क्रम में 1/64, 1/64 इंच के क्रम में ये बढ़ता है। ध्यान से देख लें, स्ट्रेट सैंक ड्रिल पतले साइज वाले होंगे, इनकी साइज इंच में आ गई 1/64 इंच से 1/2 यानी हाफ इंच तक बेटा होंगे, और इनकी साइज बढ़ेगी 1/64 इंच के क्रम में, 1/64 बढ़ेगी, फिर 2/64 बढ़ेगी, फिर 3/64 बढ़ेगी, फिर 4/64 ऐसे बढ़ती जाए। तो टेपर सैंक ड्रिल में पहला पॉइंट आपका ये लिखाया गया 1/8 इंच से 1/8 इंच से 2 इंच तक, 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, तो 2 इंच में हो गया 50.8 mm तक लगभग, यानी 51 mm तक लगभग हो गया। तो 1/8 इंच से 2 इंच तक 1/64 इंच के क्रम में ये भी बढ़ता है। क्लियर हो गया? टेपर सैंक में पहला जो रेंज है आपके ड्रिल की वो 1/8 इंच से 2 इंच तक है, और इनकी साइज 1/8 के बाद कितना बढ़ेगी 1/64 इंच बढ़ेगी, फिर उसके आगे 1/64 इंच बढ़ेगी, उसके आगे फिर 1/64 इंच बढ़ेगी। तो वही आपको लिखाया गया है कि ये 1/64 इंच के क्रम में बढ़ता है, और ऊपर वाला भी 1/64 इंच के ही क्रम में साइज बढ़ रही है। अब अगला है, इसी का सेकेंड है, ये लगभग 2 इंच यहाँ ख़त्म हो गया। अब लिखेंगे 2 इंच से 3/1/2 यानी 3.5 इंच तक, 2 इंच से 3.5 इंच तक 1/32 इंच के क्रम में इनकी साइज बढ़ती है, और ऐसे ही तीसरा है 3.5 इंच से 4 इंच, 3.5 इंच से 4 इंच तक इन होते हैं, और इनकी साइज बढ़ेगी 1/16 इंच के क्रम में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसको आप कायदे से नोट कर लेंगे और इसका जो है एक अच्छा सा नोट बनाएंगे, इसे याद कर लेंगे। अब इसी तरह से ये दो पॉइंट्स आपका जो है ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं तीसर का, देखते हैं नंबर साइज और फिर लेटर साइज, ये सब भी देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं आपके ड्रिल से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण हैं बेटा, इसे ध्यान से देखें। पांचवी पॉइंट में लिखा है दो प्रकार के ड्रिल हमारा हो गया, एमएम साइज और इंच साइज या फ्रैक्शन साइज हो गया था। अब हम लोग देख रहे हैं अगला ड्रिल का जो वर्गीकरण नंबर साइज के आधार पर करेंगे। तो पांचवी पॉइंट है नंबर साइज ड्रिल। नंबर साइज ड्रिल में आपको 1 से 80 नंबर तक ड्रिल मिलेंगे, यानी कुल ड्रिलों की संख्या 80 होगी। नंबर साइज में भी ड्रिल मिलते हैं जिनका 1 से लेके 80 नंबर तक होते हैं, यानी कुल 80 ड्रिल होते हैं, जिसमें एक नंबर का ड्रिल सबसे बड़ा होगा। एक नंबर, जैसे गेज में आपकी सीट बिकती है बेटा,
तो जो एक गेज होगा वो सबसे मोटा होगा, और जो 22 गेज, 24 गेज, 26 गेज होगा वो पतला होता जाएगा। तो आपका जैसे बक्सा है, संदूक है, या तार भी गेज में बिकता है। आप जब वायर को छीलते हैं, ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन हटाते हैं, तो उसके अंदर जो तार होता है वो भी लिखा रहता है कि ये 3x22 का है। 3x22 का मतलब कि उसकी मोटाई जो है वो 3 mm है, ऐसे है, और उसमें 22 तार। तो ऐसे जो हमारे तार भी आते हैं वो गेज में भी आते हैं। तो इस तरह से जितने जो है गेज का नंबर कम होता है उसकी मोटाई उतने अधिक होती है, और जितने नंबर अधिक होगा उसकी मोटाई कम होती जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, जितने नंबर कम है यानी एक नंबर का ड्रिल जो होगा वो सबसे ज़्यादा मोटा होगा, उसका व्यास सबसे अधिक होगा, और जो 80 नंबर वाला ड्रिल होगा वो सबसे पतला होगा। तो ये बात लिखी हुई है कि एक नंबर ड्रिल सबसे बड़ा और 80 नंबर का ड्रिल सबसे छोटा होता है। छोटा होने का मतलब पतला होगा, डायमीटर उसका सबसे कम होगा 80 नंबर वाले का। अब लिखा है एक नंबर ड्रिल की साइज 0.228 इंच, इंच में कहेंगे तो 22.228 इंच कहेंगे, अथवा mm में कहेंगे तो वहीं के नीचे mm लिखा हुआ है यहाँ पर 5.791, इतना इंच या 5.791 mm होती है। दोनों आप देख लें, इंच में 0.228 और mm में आपकी हो जाएगा 5.791 mm होती है। ये एक नंबर ड्रिल की साइज है, यानी एक नंबर का ड्रिल मैक्सिमम इतना mm मोटा होगा। अब 80 नंबर का तीसरी पॉइंट, अगली पॉइंट लिखाई गई है आपको, चौथी, 80 नंबर ड्रिल की साइज सबसे कम होगी, वो इंच में है 0.0135 इंच अथवा 0.35 mm होती है, 0.35 mm मैक्सिमम। तो ये सबसे छोटा आपका ड्रिल है, सबसे कम व्यास वाला ड्रिल है 80 नंबर वाला। ये ड्रिल 80 नंबर की साइज हो गई 0.35 mm। ऐसे ही अब छठा हमारा वर्गीकरण, लेटर साइज के आधार पर भी हम लोग ड्रिल का वर्गीकरण करते हैं। तो लेटर साइज बेटा अंग्रेजी वाला लेटर हम लोग लेते हैं, A to Z। तो ए से जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं, अतः हमारे ड्रिल भी कुल 26 हो जाएंगे। तो इसमें भी पहली पॉइंट लिखी गई है कि इसमें अंग्रेजी के ए से जेड अक्षर तक होते हैं, और इसमें कुल 26 ड्रिल होंगे। ए ड्रिल, जिस ड्रिल पर ए लिखा होगा, जिस पर बी सी डी ऐसे जेड तक लिखा रहेगा, ए ड्रिल सबसे छोटा होगा और जेड वाला ड्रिल सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे उसका डायमीटर अधिक होगा। बड़ा का मतलब उसका व्यास सबसे अधिक होगा। तो ए ड्रिल सबसे छोटा और जेड अक्षर का ड्रिल सबसे बड़ा होता है। अगली पॉइंट है, ए अक्षर ड्रिल की साइज 0.234 इंच, कितना, 0.234 इंच अथवा 5.944 mm, 5.944 mm होती है। क्लियर। जबकि जेड अक्षर की साइज सबसे अधिक है, तो जेड वाले अक्षर जिस ड्रिल पर लिखा रहेगा उस ड्रिल की साइज इंच में 0.413 इंच अथवा 10.490 mm, 10 mm या 10.5 mm के लगभग जो है मैक्सिमम इसकी साइज है, 10.49 mm होती है। अब उसके बाद पांचवा वर्गीकरण आपका है आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? शेप के आधार पर। मरोड़ी बर्मा कितने प्रकार के हो सकते हैं?
तो ये मुख्य मुख्य आपको लिखाया गया बेटा, टू फ्लूटेड ड्रिल, जिसकी बॉडी में दो तरफ से नालियां कटी हो बेटा। ये मान लीजिए कि आपका बेलनाकार ऐसे ड्रिल है, तो इधर से भी नाली ऐसे स्पाइरल ऐसे ऐसे नाली काट दें, और उसके अपोजिट से भी नाली ऐसे ऐसे स्पाइरल नाली काट दें, तो उसे कहेंगे टू फ्लोटेड ड्रिल। जितने आपकी फ्लूट होंगी उतने कटिंग एज का निर्माण होगा, उतने लिप बनेंगे। अतः दो नालियां हैं तो दो लिप बनेंगे, अथवा आप कहेंगे दो कटिंग एज बनेंगे। उसके बाद है, और यही जनरली हम लोग मैक्सिमम इसी का, टू फ्लूटेड ड्रिल का ही ज़्यादातर प्रयोग होता है, और ज़्यादा मार्केट में यह बिकता भी है। उसके बाद है मल्टी फ्लूटेड ड्रिल। मल्टी फ्लूटेड ड्रिल यानी जिसकी बॉडी पर, देह पर बेटा तीन या तीन से अधिक नालियां कटी हों, तो उसे हम कहेंगे मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, और उसे हम लोग कोर ड्रिल भी बोलते हैं, CORE, अथवा हिंदी में क्रोड भी कहेंगे, क्रोड बर्मा भी कहेंगे। ये तो मल्टी फ्लूटेड, जिसमें कई नालियां कटी हों, तो अगर चार नालियां कटी हैं तो उसे, तीन नालियां कटी हैं तो उसे हम कहेंगे मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, और फिर जितना नाली कटी रहेगी उतने ही कटिंग एज का निर्माण होगा। तो अगर चार नालियां कटी हैं तो चार कटिंग एज बन जाएगी, और चारों जब धारें काटेंगी तो हमारा जो है छिद्र और परिष्कृत और फिनिश बनेगा। तो मल्टी फ्लूटेड ड्रिल अथवा कोर ड्रिल को हम लोग कास्टिंग, जहाँ ढलाई होती है, हम लोग जैसे ढलवे लोहे से ढाल कर तमाम सामाने बनाते हैं, या पीतल को या तांबे को ढाल कर सामान बनाया जाता है, तो उस ढलज में कहीं छिद्र करना है तो हम लोग मल्टी फ्लूटेड ड्रिल अथवा क्रोड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। उससे हमारा ड्रिल एक ही बार में फिनिश और साफ बन जाता है। अगला है बेटा सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल, ये सेंटर ड्रिल देख लें, सेंटर ड्रिल हमारा इस टाइप से होता है, ऐसे सेंटर ड्रिल हो गया ऐसे, और ये भाग जो है हमारा ऐसे बन जाएगा, और ये पोर्शन हमारा ऐसे, और फिर ऐसे हो जाता है, और फिर ऐसे, ये हो गया हमारा सेंटर ड्रिल। ये जो ये वाला होता है इसका कोण 60 अंश है, ये कितना है, ये 60 अंश है बेटा ये कोण, और जो इसका कोण है ये वाला कोण, ये ऐसे अगर कर दें और इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये वाला कोण 120 अंश है। ध्यान से देख लें, यही है सेंटर ड्रिल। इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जब लेथ मशीन पर, इधर लेथ मशीन का हेड स्टॉक है इधर, और इधर आपका ये टेल स्टॉक है, लेथ मशीन है ये, ये मान लीजिए बेटा लेथ मशीन है, ये आपका हेड स्टॉक हो गया और ये वाला टेल स्टॉक हो गया। तो जब हम लोग इस पर लंबा जाप बांधते हैं, लंबा ऐसे बेलनाकार राड इस पर या कार्यखंड ऐसे बांधते हैं, तो इसे सपोर्ट हम लोग टेल स्टॉक के डेड सेंटर से देते हैं। ये ऐसे जो हमारा ये सेंटर बेटा इसमें लगा रहता है, जिसमें ऐसे और ये ऐसे, तो इसका ये नोक जो है यहीं इसमें घुसना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हल्का सा हम लोग छिद्र बनाते हैं, उसके लिए हम लोग इसी सेंटर ड्रिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर ड्रिल।
तो सेंटर ड्रिल ये देख लें, ये जो पॉइंट है 120 अंश पर है, तो इसमें छिद्र जो होगा वो कोनिकल 120 अंश पर ये करेगा, जबकि ये काउंटर सिंक भी करेगा, ये काउंटर सिंकिंग, इसके द्वारा क्या होगा, काउंटर सिंकिंग भी हो जाएगी। ये काउंटर सिंकिंग भी करेगा, तो इससे क्या होगा कि अगर कहीं पर भी हम लोग जैसे पेंच वगैरह कसते हैं बेटा, तो उसका हेड बाहर नहीं निकला रहता। अब छिद्र हमारा जो है ऐसे, ये छिद्र जो है ऐसे, ये छिद्र अगर कहीं बना हुआ है, तो इस छिद्र का ये वाला पोर्शन जब इसमें लगता है तो ये ऐसे कर देता है, ये इस पोर्शन को थोड़ा ऐसे और इस पोर्शन को ऐसे कर देता है, तो हमारी पेंच जो है इसी में ऐसे जो है सेट हो जाती है, हमसे इसी में बैठ जाता है, तो ये बाहर नहीं निकलता हमारा पेंच, तो ये है काउंटर सिंक कर देगा ऐसे। तो ये हमारा सेंटर ड्रिल, और इसका प्रयोग लेथ मशीन पर जाब के केंद्र में ऐसा हल्का सा छिद्र करने के लिए, ताकि इधर डेड सेंटर बैठ जाए और इधर हेड वाला भी ऐसे जो है इसमें प्रवेश कर जाए यहाँ। तो इसी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर ड्रिल का प्रयोग करते हैं। ये आपका सेंटर ड्रिल है, ये वाला कोण 60 अंश और इसके पॉइंट का कोण 120 अंश। अब हम लोग मल्टी डायमीटर ड्रिल देख लेते हैं बेटा, ये इसको मल्टी डायमीटर ड्रिल। तो ये ड्रिल जो है जैसे आपका ये सैंक हो गया, फिर यहाँ से ये ड्रिल जो है आपका ऐसे बन गया, तो ये मल्टी डायमीटर में बनता है बेटा ऐसे। फिर अब थोड़ा सा डायमीटर हमने कम कर दिया ऐसे, ये ऐसे कर दिया और यहाँ ऐसे कर दिया ऐसे, तो ये फिर यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे कर दिया, और फिर मान लीजिए ये ऐसे कर दिया, तो ये दो तीन स्टेप में बनता है बेटा ये ड्रिल। तो कुछ यहाँ पर डायमीटर थोड़ा कम है, फिर यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा है, और फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायमीटर हो गया। तो ये कई स्टेप में इस तरह से बनता है ऐसे, एक ही ड्रिल रहेगा, लेकिन इसमें जो है स्टेप जो है दो तीन डाल देते हैं। तो यहाँ पर डायमीटर देखेंगे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर डायमीटर थोड़ा कम है, और यहाँ पर डायमीटर सबसे कम है। तो इस तरह से इसे हम लोग जो है मल्टी डायमीटर ड्रिल कहेंगे। ये कौन सा ड्रिल हो गया, मल्टी डायमीटर ड्रिल। तो इस एक ही ड्रिल से फायदा क्या है कि हम कई प्रकार के माने दो तीन व्यास के छिद्र जो है कर सकते हैं। पतला इस साइज का करना है तो इतने ही करेंगे, अगर इस साइज का करना है तो यहाँ तक हम ड्रिल को घुमाएंगे और ये कर देगा, और इससे भी बड़ी साइज करनी है तो यहाँ तक पूरा ड्रिल चला देंगे, तो इस साइज का भी छिद्र बन जाएगा। अगला है काउंटर सिंक ड्रिल। तो हम लोग काउंटर सिंक ड्रिल देख लें, ये वाला काउंटर सिंक ड्रिल आपका जैसे ऐसे ये ड्रिल हो गया टेपर सैंक में, ये इस टाइप से ड्रिल हो गए।
ये हो गया आपका काउंटर, सिंक ड्रिल। इनका उपयोग क्या है, ये और भी टाइप के हो सकते हैं, इनके द्वारा हम लोग जो है छिद्र को, जैसे ये छिद्र है हमारा, ये ऐसे ये छिद्र है किसी प्लेट में, हमने ऐसे छिद्र बना दिया बेटा, ऐसे ऐसे। अब हम लोग चाहते हैं कि इसके इस केवल इस भाग का व्यास बड़ा हो जाए, तो इसे हम लोग इसमें चला देते हैं और फिर इस छिद्र का व्यास आप चाहें तो टेपर में ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, बन जाएगा, और इतने दूर में चला देंगे तो ये ऐसे बना देगा। तो ये हो गया काउंटर सिंकिंग। अथवा हम किसी, आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा करने से हमारा लाभ क्या होता है, जो हमारा या केवल इतने दूर का ही व्यास हम लोग ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे और ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारा नट बोल्ट जो इसमें कसना है उसका हेड जो है इसके अंदर आकर बैठ जाता है। तो ये है काउंटर सिंक ड्रिल। इससे लाभ यही होता है कि नट बोल्ट या पेंच का हेड जो है इसमें आकर बैठ जाता है। तो इससे अगला है आयल होल ड्रिल। आयल होल ड्रिल जिसे गन बैरल ड्रिल भी कहेंगे, इसके द्वारा बहुत गहरा सुराख किया जाता है और इसमें नालियां कटी होती हैं। पूरे ड्रिल की लंबाई में ऐसे ऐसे जो है तेल की नालियां, ऐसे 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 तेल के लिए नालियां कटी रहती हैं और उसमें से लगातार तेल यहाँ पॉइंट तक जाता रहता है। और इसके द्वारा जब बहुत गहराई में, जैसे बंदूक की नाल वगैरह में, तो उसी लिए इसका नाम पड़ा गन बैरल, माने बंदूक की नाल में अगर ड्रिल करना है तो उसमें हम लोग इस आयल होल ड्रिल का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि ड्रिल ऐसे ही होता है, लेकिन उसके बॉडी जो क्रोड अंदर है, उस क्रोड में पूरी लंबाई में ऐसे 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 यहाँ पॉइंट तक तेल जाने का ऐसे 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 छिद्र बना रहता है और उसके द्वारा लगातार जो है आयल वहाँ तक, ये लिप है या पॉइंट है यहाँ तक, या डेड सेंटर है यहाँ तक जाता रहता है, जिससे लिप जो है हमारी ठंडी बनी रहती है और बढ़िया कटिंग, वहाँ चिकनाहट भी उत्पन्न होती रहती है। इस तरह से कटिंग क्रिया हमारी बहुत अच्छी होती है। तो आप ये कहेंगे कि आयल होल ड्रिल का प्रयोग जहाँ पर बहुत गहराई तक छिद्र बनाना हो वहाँ पर करते हैं। अगला बेटा स्पाइरेक ड्रिल, जिसके साथ साइज लिखी हुई है 0.0086 इंच से 0.0984 इंच तक होती है, यानी बहुत पतला है। ये आपको बताया गया था कि गैस के स्टोव के निप्पल में या अन्य जगह जो हमारा स्प्रे नाजल वगैरह है उसके मुंह में जो है बारीक छिद्र करने के लिए हम लोग इस ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो जो पतले ड्रिल का, इस साइज के ड्रिलों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम लोग स्पाइरेक ड्रिल कहते हैं। तो इस तरह से ड्रिल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हुई। अभी मशीन हमारी जो है वो तमाम अभी मशीनें बची हुई हैं, उन मशीनों के भी विषय में ऐसे ही करके आपको एक एक करके सारी मशीनों के विषय में बता देंगे और उनका उपयोग क्या है और उनकी जो है कैपेसिटी कितनी है, तो वो आपका जो है ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो अभी हमको ड्रिल मशीन पढ़ाना, जैसे पीलर टाइप आपकी ड्रिल मशीन है, फिर मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन है, बेंच ड्रिल मशीन है, आपकी रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, इन सब मशीनों के विषय में एक एक करके ऐसे ही पॉइंट वाइज जो है आपको लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएँ, और आपसे हम उम्मीद करते हैं
कि आप इन सबों को अच्छी तरह से नोट करके याद कर लेंगे ताकि आपके परीक्षा में काम आए। ढेर सारी शुभकामनाएं।